Hey everyone, it's Nikia again. And for today's video, I'm gonna be following a trend. मतलब मैंने मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप के लिए करते देखा तो आई वॉज लाइक कि नेल्स और नेल आर्ट के लिए क्यों नहीं. सो हियर आई एम. और द ट्रेंड गोइंग ऑन इज इफ आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई नेल आर्ट स्टफ वॉट ऑल आई एम गोना बी स्टॉकिंग फर्स्ट. वैसे तो आई डोंट वॉन्ट टू लूज एनी थिंग बिकॉज आई हैव लाइक कलेक्टेड एवरी थिंग ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. ओके, ये सब एक दिन में इकट्ठा किया सामान नहीं है, सो आई कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ लूजिंग एनी थिंग. बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ वी डिड, देन वॉट ऑल आई एम गोना बी स्टॉकिंग फर्स्ट. नाउ बिफोर वी जम्प इन टू द वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन अ कपल ऑफ थिंग्स. ओके, एंड दोज आर, फर्स्टली, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सो कुछ चीज़ें थोड़ा सा हाइपोथेटिकली होने वाली हैं, इन द सेंस कि या तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, डिसकंटिन्यूड हो गई हैं, स्टिल आई एम गोना मेंशन देम, और या वो इंडिया में नहीं मिलती हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंड थिंग इज कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो. डोंट टेक दिस एज एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन. इट जस्ट दैट कि वॉट ऑल आई एम गोना लाइक स्टॉक फर्स्ट, मैं वो सब जेन्युइनली बताने वाली हूँ. फिर वो थोड़ा सा प्राइसी हो या बिल्कुल ही चीप एंड पे हो, इनएक्सपेंसिव हो, आई एम गोना जस्ट मेंशन इट आउट टू यू. सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो एट ऑल. थर्डली, कुछ चीज़ें हैं जिनके पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो मुझे यही चाहिए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अमेज़ॉन पे जाके जो भी पहला दिख गया मैं ले लूँगी, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है. एंड लास्ट इन द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जो कुछ भी मैं प्रोडक्ट मेंशन करने वाली हूँ आज के वीडियो में, आई हैव ट्राइड देम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहा विश लिस्ट में था, चलो इस वीडियो में डाल देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं उन्हें यूज़ कर चुकी हूँ कहीं ना कहीं अपने पूरी नेल आर्ट की जर्नी में. ओनली दोज प्रोडक्ट्स आई एम मेंशनिंग बिकॉज आई नो हाउ गुड दे आर. ओके, एंड विद दैट लेट जस्ट जम्प इन टू द वीडियो. ओके, सो स्टार्ट करते ना पहले प्रोडक्ट से. ना हम ऐसे ना सीक्वेंस में जाएंगे, सबसे पहले नेल केयर की बात करेंगे, फिर नेल आर्ट स्टफ की बात करेंगे, और लास्ट में हाइड्रेशन की बात भी करेंगे. इस वीडियो में मैं पॉलिशेज मेंशन नहीं करने वाली हूँ, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर तुम्हें इसका पॉलिश वर्जन भी देखना है, आई कैन मेक इट फॉर यू. ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट से. नाउ पहला ही प्रोडक्ट ऐसा है जो अब मिलता नहीं है. बट मिलता नहीं है से मेरा मतलब ये है कि इंडिया में नहीं मिलता. इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, ये अभी भी यूएस कनाडा साइड आराम से मिल जाता है. पहले मिलता था इंडिया में भी, एंड आई हैव गॉन थ्रू बॉटल्स ऑफ इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सैली हैंसन का क्यूटिकल रिमूवर. मैं इधर या इधर कहीं पिक्चर डाल दूंगी सो यू वुड नो विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट. और दिस इज द बेस्ट क्यूटिकल रिमूवर आई हैव सीन इन माई नेल आर्ट जर्नी थ्रू आउट द ईयर्स. मैंने इसे बहुत यूज़ किया है, एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ एक यूज से ना यू सी सो मच ऑफ डिफरेंस इन द अपियरेंस ऑफ योर नेल्स. सो आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. और इफ आई हैव टू रीस्टॉक समथिंग, दिस विल बी द आइटम आई रीस्टॉक इन माई नेल केयर स्टफ, because this just changes the game. I really love how my nails look after using this. So अगर मुझे कभी भी मौका मिला, in fact अगर मैंने कुछ नहीं भी खोया हुआ है और तो भी मुझे इसे restock करने का मौका मिला, तो मैं इसकी bottles रख लूँगी अपने पास लाके. This used to retail for 500 rupees Nykaa पे, but as I mentioned कि ये Amazon के अलावा आप कहीं नहीं मिलता, और Amazon पे इसके prices बिल्कुल ही ridiculous हैं. मतलब I won't buy it on that price. 2000-3000 इट्स नॉट वर्थ इट कि इतने महंगे प्राइस पे खरीदो. बट हाँ, अगर मुझे इसकी MRP पे ये कहीं भी मिला, सो आई एम डेफिनेटली गोना स्टॉक इट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डेफिनेटली गोना रीस्टॉक इज अ ग्लास नेल फाइल. नाउ द वन आई एम करेंटली होल्डिंग इज फ्रॉम बोनाफाइड ब्यूटी. ये मैंने अपनी सिस्टर से US से लिया था, बट मेरे को कोई भी ग्लास नेल फाइल, अच्छा ग्लास नेल फाइल चलेगा, बट ग्लास नेल फाइल ही होना चाहिए. बिकॉज सिंस द
टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग अ ग्लास नेल फाइल, मेरे नेल्स ने और किसी फाइलर को हाथ भी नहीं लगाया है, नेल भी नहीं लगाया है, इफ आई से सो. सो अ ग्लास नेल फाइल हैज टू बी इन माई स्टॉक इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग एल्स, बिकॉज अदरवाइज हाउ आई कीप माई नेल्स इन शेप. और शेप का ही तो सारा खेल होता है, इतने सुंदर सुंदर शेप्स अलग अलग तरह के कर सकते हो, तो उसके लिए एक ग्लास फाइल होना तो ज़रूरी ही है. और एक अच्छा ग्लास नेल फाइल 300 से 400 की रेंज में आराम से मिल जाता है. मैं कुछ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं ग्लास नेल फाइल के लिए, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट. द थर्ड थिंग दैट आई एम गोना बी रीस्टॉकिंग हैज टू बी अ नेल पॉलिश रिमूवर. एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, तुमको लाइक सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि विच प्रोडक्ट आई एम गोना बी शोइंग नेक्स्ट. येस यू गाइस, कलर बार का एसिटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर. अगैन आई हैव गॉन थ्रू बॉटल्स ऑफ दिस एंड दिस इज द बेस्ट नेल पॉलिश रिमूवर फॉर मी आउट देयर इन द मार्केट. दिस रिटेल्स फॉर 145 रुपीज एंड यू गेट 110 ml ऑफ प्रोडक्ट. ये प्लास्टिक किसी वाइट बॉटल में आता है ब्लैक कलर की कैप के साथ. इसकी अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां तुम चाहो ये तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाता है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज द बेस्ट नेल पॉलिश रिमूवर आउट देयर. सो ये तो होना ही है मेरे स्टॉक में. अगर मुझे कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर पिक करना हुआ, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस. द फोर्थ आइटम इन माई नेल केयर स्टॉक हैज टू बी अ क्यूटिकल पुशर. नाउ इफ यू आर अ नेल आर्टिस्ट और यू आर यूज टू डूइंग योर नेल्स एट होम बाई योर सेल्फ, यू वुड नो कि एक क्यूटिकल पुशर कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक नेल आर्टिस्ट की लाइफ में. तुम उसको अपने क्यूटिकल रिमूवर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अपने नेल्स को साफ करने के लिए, गंक हटाने के लिए, सब तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है. एंड इट इज़ अ मस्ट, अ स्टेपल ऑन माई नेल आर्ट डेस्क फॉर मी. मेरे पास इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, कोई भी मुझे जो पहला अमेजोन पर मिल जाएगा मैं उस क्यूटिकल पुशर के साथ काम कर सकती हूँ. बट अ क्यूटिकल पुशर, अ मेटल क्यूटिकल पुशर has to be in my stock for me to work properly, for me to make my nails look pretty and beautiful. Okay, nail care की बात हो गई, तो nail care में मैं ये चार आइटम सबसे पहले स्टॉक करूंगी if I lost every of my nail art stuff. अब बात करते हैं नेल आर्ट की. सो नेल आर्ट में क्या है ना, नेल आर्ट अगैन इज़ अ वास्ट फील्ड. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं. सो अगर मैं सोचूं कि मैं सब एक साथ स्टॉक कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है. सो हियर आई एम जस्ट गोना बी टेलिंग यू अ फ्यू टूल्स ऑफ अ फ्यू टेक्निक्स जिन्हें मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. अगैन इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तुम्हें पता होगा हाउ मच आई फ्रिकिंग लव स्टैम्पिंग. ओ माई गॉड, स्टैम्पिंग इज माई वेरी फर्स्ट लव व्हेन इट कम्स टू नेल आर्ट, राइट. और स्टैम्पिंग में सबसे पहले बात आती है एक स्टैम्पर की. ना मुझे ना सालों हो गए हैं इस पर्टिकुलर स्टैम्पर को यूज़ करते हुए, और अगर मुझे मौका मिला एक स्टैम्पर को रीस्टॉक करने का तो यही ब्रांड का स्टैम्पर मैं स्टॉक करूँगी, एंड दैट इज पुईन कॉस्मेटिक्स. येस यू गाइज, ये मेरे पास ना एक्स्ट्रा स्पेयर में पड़ा हुआ है. मैं अभी एक पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ, तो यू कैन टेल कि हाउ मच आई लव दिस पर्टिकुलर स्टैम्पर. सो आई बिलीव मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक ब्रांड मेंशन कर रही हूँ, आई नो, बट पुईन का स्टैम्पर इज़ द बेस्ट स्टैम्पर आई हैव यूज्ड टिल डेट. दिस रिटेल्स फॉर लाइक 1500 और समथिंग अमेजोन पे अगर मैं देखूँ तो, बट या विदाउट द प्राइज एंड एवरी थिंग दिस इज द स्टैम्पर दैट आई विल रीस्टॉक. ये बहुत ही अच्छा ब्यूटिफुल क्लियर जेली स्टैम्पर है, बहुत अच्छे से पिकअप करता है इमेज, बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र करता है इमेज. एंड लाइक तो मेरे शॉर्ट्स रील्स पे देख सकते हो, जब भी मैं कोई स्टैम्पिंग करती हूँ दिस इज द वन दैट मेक्स एन अपीयरेंस. स्टैम्पर के बाद बात आती है स्टैम्पिंग पॉलिशेस की. तो मैंने ना बहुत अलग अलग ब्रांड्स की स्टैम्पिंग पॉलिशेस ट्राई कर रखी हैं, बीट बॉर्न प्रिटी, बीट निकोल डायरी, बीट व्हाट्सअप नेल्स, बीट कोनार्ड, बीट कैट्स, बट द वन दैट आई विल रीस्टॉक इफ आई गेट अ चांस इज MDU. मैं इनका पूरा नाम प्रोनाउंस नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता, मैं ट्राई भी नहीं करूँगी, बट मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी सो यू वुड नो कि विच ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने इनकी मिनीज भी ट्राई कर रखी हैं, और मैंने इनकी ब्लैक एंड वाइट में बड़ी साइज की बॉटल
बॉटल्स भी ट्राई कर रखी हैं. आई बिलीव दे रिटेल फॉर $1.65. यहाँ इंडिया में इतनी इजीली नहीं मिलती. पहले मिल जाती थी जब मैंने यूज़ करी थी, बट अब नहीं मिलती हैं. बट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सो हियर इट इज़. इफ़ आई गेट अ चांस, दीज आर द स्टैम्पिंग पॉलिशेज पर्टिकुलरली दैट आई री स्टॉक. द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पॉलिशेज इज दैट कि इनमें पिगमेंटेशन तो है, बहुत अच्छा ट्रांसफर मिलता है, बट वेन यू गेट टू क्लीन दैम अप, बी इट ऑन अ यू स्टैम्पिंग प्लेट और अराउंड योर नेल्स एंड क्यूटिकल्स, दे डू नॉट स्प्रेड और मेक एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट. दे वेरी इजिली कम आउट ऑफ एनी सरफेस यू वॉन्ट टू क्लीन दैम ऑफ, विच इज सच अ गुड थिंग अबाउट अ स्टैम्पिंग पॉलिश. क्योंकि स्टैम्पिंग पॉलिशेज ना पिगमेंटेड होती हैं, और जब उन्हें साफ करने जाओ और वो फैल जाए ना, तो वो सबसे सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है क्लीन अप के टाइम पे. बट दीज पॉलिशेज डोंट डू दैट, एंड दैट्स वाई इफ आई गेट अ चांस दीज आर द पॉलिशेज आई विल रीस्टॉक. ओके, सो स्टैम्पर ले लिया, स्टैम्पिंग पॉलिशेज ले ली, अब स्टैम्पिंग प्लेट्स भी तो लेनी पड़ेंगी ना, नहीं तो स्टैम्पर स्टैम्पिंग पॉलिशेज का मतलब क्या है. सो मैंने ना अगेन बहुत सारे ब्रांड्स की स्टैम्पिंग प्लेट्स भी ट्राई कर रखी है, बी इट बॉर्न प्रिटी, निकोल डायरी, शुगर, मैन्युअलॉजी, व्हाट्सअप नेल्स, बट द वन दैट आई विल रीस्टॉक आर फ्रॉम एजियोबेस. येस यू गाइज, ये डबल साइडेड लार्ज स्टैम्पिंग प्लेट्स हैं, तो एक के प्राइस में तुमको दो स्टैम्पिंग प्लेट्स मिल जाती हैं. इनमें तुमको कार्टून्स मिल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, फ्लोरल मिल जाएंगे, तो डिज़ाइन की भी कोई लिमिटेशन नहीं है इस पर्टिकुलर ब्रांड में. आई बिलीव ये अमेजोन पर अवेलेबल है, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अदरवाइज मैंने US जाके भी ले लूँगी इफ़ आई लॉस्ट देम. आई लव देम सो मच, इनकी एचिंग इतनी प्यारी है, इतना प्यारा डिज़ाइन पिकअप होता है. इनफैक्ट छोटे छोटे जो इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं ना, वो भी बहुत ब्यूटिफुली पिकअप होते. इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी एचिंग है. सो आई रियली रियली लव एजियोबेस का स्टैम्पिंग प्लेट्स, एंड आई डेफिनेटली डेफिनेटली गोना बाय देम फर्स्ट इफ आई लॉस्ट ऑल माई स्टैम्पिंग प्लेट्स, विच आई होप नॉट. Moving on to the second nail art technique that I really enjoy. Actually, I used to enjoy a lot of this technique back in the day, and I'm talking about water decals. नाउ वाटर डिकैल्स का ऐसे मेरे पास कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, बट दो चार जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट वाटर डिकैल्स आर समथिंग विच डज नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि उनमें कोई ड्राइंग टाइम नहीं चाहिए होता है. यू जस्ट हैव टू कट देम आउट, पुट इट इन टू द वाटर, स्लाइड इट फ्रॉम द बैकिंग, अप्लाई इट ऑन टू योर नेल्स टॉप कोट, एंड यू आर गुड टू गो. ज़्यादा कोई बहुत अच्छी स्किल्स भी नहीं चाहिए होती इनको करने के लिए, दे आर प्रिटी ईजी टू वर्क विथ, एंड दैट्स वाई आई एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली लव यूजिंग वाटर डिकैल्स. मैंने रिसेंटली अभी एक फुल लाइक फुल नेल वाटर डिकैल का नेल आर्ट किया था. इफ इट्स आप, आई लिंक इट आप इन द कार्ड्स, नहीं तो स्टे ट्यून्ड, वो जल्दी आएगा शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम रील पे, जस्ट कीप अ वॉच. और आई लाइक रिकिंडल्ड माई लव फॉर वाटर डिकैल्स, दैट्स वाई आई इंक्लूडेड इट हियर कि इफ आई लॉस्ट ऑल माई नेल आर्ट स्टफ, एटलीस्ट आई एम गोना बाय 10 पेयर और 10 शीट्स ऑफ वाटर डिकैल्स टू गेट मी गोइंग फॉर अ वाइल. The third technique that I'm really enjoying from the past couple of months now is gradients. मैंने बहुत सारे gradient nail arts कर रखे हैं, be it for the brands or my own organic content. So if I have to restock something, that I'll definitely go for these makeup wedges which are perfect for gradient nails. इनसे जो finish मिलती है ना, वो किसी और प्रकार के sponge से नहीं मिलती है. ये ऐसे packet में आते हैं, 10 pieces रहते हैं for 125 or something. मैंने इसे अपने favorite nail art Instagram store से लिया था, nail art nail fiesta, and I'm definitely gonna be restocking to try out another nail art technique till the time I can accumulate all my previous stuff. So this has to be in my stuff. ओके, सो ये तो बात हुई मेरी कुछ फेवरेट नेल आर्ट टेक्निक्स की, एंड जब मैं कहती हूँ कुछ तो आई मीन कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मेंशन नहीं करी हैं. बट मूविंग फॉरवर्ड कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं. तो जो पहला टूल मेरे दिमाग में आता है वो डॉटिंग टूल ही है. फर्स्टली दे आर वेरी वर्सटाइल, एंड सेकेंडली दे आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. ये बहुत ही चीप होते हैं, 150 से 200 की रेंज में तुम्हें 5 का सेट मिल जाता है जो डबल साइडेड होता है. और डबल साइडेड का मतलब ये है कि 10 साइज की डॉट्स यू गेट लाइक फॉर जस्ट 150 और 200 रुपीज. एंड एज आई सेड दे आर वेरी वर्सटाइल, इनसे तुम डॉटिंग और कर सकते हो, इन्हें तुम रिवर्स स्टैम्पिंग में यूज कर सकते हो, इन्हें तुम वाटर मार्बलिंग में यूज कर सकते हो, इन्हें तुम फ्री हैंड में भी यूज कर सकते हो.
करते हो. सो इफ आई हैव टू रीस्टॉक समथिंग, सम नेल आर्ट टूल्स, डॉटिंग टूल विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड या अगेन इनका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, जो भी अमेजोन पे मुझे सबसे पहले दिख जाएगा मैं उसे रीस्टॉक कर लूंगी. After dotting tool, the next tool that comes to my mind are nail art brushes. Now nail art brushes ना 3 के सेट में आते हैं, 5 के सेट में आते हैं, 10 के सेट में आते हैं, 15 के सेट में भी आते हैं. The one that I'll first restock is the 3-set one, because उनसे ना सारे काम हो जाते हैं. उनके अलावा किसी और चीज़ की ऐसे ज़रूरत immediately नहीं पड़ेगी अगर मेरे पास वो 3 का सेट है तो. Again they are pretty inexpensive, like 199 से 299 के बीच में अच्छे खासे nail art brushes मिल जाते हैं. और इनका भी कोई ब्रांड नहीं है मेरे पास, मैं कोई भी जो अमेजोन पे मुझे सबसे पहले दिखेंगे या नेल आर्ट इंस्टाग्राम स्टोर्स पे दिखेंगे, आई जस्ट पिक देम अप एंड कीप देम विथ मी टू टाइड मी ओवर टिल द टाइम आई कैन लाइक एक्यूमुलेट ऑल माई लॉस्ट स्टफ. ओके, तो सारी बात हो गई नेल आर्ट टेक्निक्स की. ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी क्लीनअप की. ओके, इफ़ यू नो मी यू वुड नो कि अगर मैं अपने नेल्स पे पॉलिश लगा रही हूँ या कोई भी नेल आर्ट कर रही हूँ, आई वॉन्ट माई क्यूटिकल्स टू बी क्लीन. मुझे वो क्रस्टी, डस्टी और मेसी क्यूटिकल्स बिल्कुल पसंद नहीं है. आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हेट देम. सो वन थिंग दैट आई फर्स्ट like first restock if I lost everything is a cleanup brush. Otherwise मैं nail art ही नहीं करूँगी अगर मेरे पास cleanup brush नहीं होगा. होप ऐसा टाइम आए नहीं कभी, बट अ क्लीनअप ब्रश इज़ अ मस्ट फॉर मी. अगेन मेरे पास इसका कोई ब्रांड नहीं है, एक क्लीनअप ब्रश ही होता है. और अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं एक फ्लैट सबसे छोटा आर्ट ब्रश भी स्टॉक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उससे भी क्लीनअप आराम से कर लेती हूँ. और अगर स्पेसिफिकली मुझे मिल जाता है क्लीनअप ब्रश जो मेनली क्लीनअप के लिए ही बना है अराउंड क्यूटिकल्स, देन आई पिक दैट वन अप. बट अ क्लीनअप ब्रश हैज़ टू बी इन माई स्टॉक इफ आई वॉन्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ नेल्स एंड नेल आर्ट. Another thing that comes to my mind when I talk about cleanup is a cuticle barrier. Oh my God, कुछ nail art techniques इतनी messy होती हैं, specifically जो मैंने mention करी, gradients ले लो, stamping ले लो, water marble ले लो, कि a cuticle barrier is really really helpful in making your work easy. और मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांड मेंशन करूँगी एंड दैट इज़ गोडीवा नेल्स का क्यूटिकल बैरियर. बैक इन द डे दिस वाज माय गो टू क्यूटिकल बैरियर. अगेन आई हैव गॉन थ्रू बॉटल्स ऑफ दिस. वो टाइम पे आई बिलीव ये 150 का मिलता था. अभी उन्होंने प्रोडक्शन रोक रखा है, आई एम नॉट श्योर व्हेन दे विल कम बैक विथ इट, बट आई होप दे डू सून, बिकॉज दिस वॉज वन प्रोडक्ट दैट आई रियली मिस ऑन माई नेल आर्ट डेस्क. अगर ये होता तो मेरा नेल आर्ट बहुत ही ईजी हो रहा होता मेरे लिए. इसके बंद होने के बाद मैंने 2-4 और ट्राई करे, बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आया. दिस वॉज द वन दैट आई रीस्टॉक इफ आई गॉट अ चांस. ओके, नेल केयर हो गई, नेल आर्ट भी हो गया, क्लीनअप भी हो गया. अब बात करते हैं कुछ टॉप कोट्स की. सो सबसे पहले बात करते हैं ग्लॉसी टॉप कोट. नाउ करंट मेरा जो फेवरेट है, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा, बट द वन आई एम गोना मेंशन इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट टिल डेट. अगर मुझे मेरे करंट फेवरेट के ऊपर ये वाला चूज करने को मिला तो आई विल डेफिनेटली चूज दिस वन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेट एंड वाइल्ड का मेगा लास्ट हार्ड एज आइस टॉप कोट. ये ना लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल मिलना बंद हो गया. इट जस्ट यूज टू रिटेल फॉर लाइक 299 रुपीज, नायका अमेजोन पर्पल पे बहुत इजीली मिल जाया करता था. एंड अगेन आई हैव गॉन थ्रू बॉटल्स ऑफ इट. ये मुझे इतना पसंद था, मतलब ये ऐसे क्विकली ड्राई हो जाता था, फिर तो तुम अपने हाथ कहीं लग भी जाए ना तो भी तुम्हारा मैनिक्योर खराब नहीं होगा. ये इतना अच्छा टॉप कोट था एंड आई रियली रियली मिस इट इन माई लाइफ. But again, if I get to restock it hypothetically, this is the glossy top coat that I'm gonna go for. The next top coat that I'm gonna be talking about is a matte top coat. Now, मैंने ना बहुत से matte top coats try किए हैं और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था choose करना कि मैं कौन सा matte top coat pick करूँ. बट द वन दैट आई हैव पिक्ड अप इज मिनीसो का गोल्डन कैप मैट टॉप कोट, जो कि मैं नेपाल के मिनीसो से लेके आई थी. नाउ द ओनली रीजन आई पिक दिस वन अप इज बिकॉज ऑफ इट्स ब्रश. इसका ब्रश इतना सुंदर कर्व्ड एज वाला है ना कि बिल्कुल क्यूटिकल के बिल्कुल पास तक चला जाता है. तो जब तुम कोई मैट फिनिश मैनिक्योर बनाना चाह रहे हो और उसके ऊपर मैट टॉप कोट लगाते हो ना, तो वो छोटी सी पतली सी लाइन भी क्यूटिकल पे ग्लॉसी नहीं दिखती है, विच इज सच अ रिलीफ. बिकॉज जब तुम मैट
मैनिक्योर बनाना चाह रहे हो तो तुम चाहते हो वो पूरा मैट दिखे, उसमें कहीं से ग्लॉसी बिट्स ना दिखें, राइट? सो दैट्स द रीज़न आई हैव पिक दिस वन अप. दिस वन रिटेल्ड फॉर अराउंड 200 और समथिंग दैट टाइम जब मैंने इसे लिया था. बट अगेन, अगर मुझे यहाँ कहीं इंडिया में मिनीसो में ये दिखा तो आई विल डेफिनेटली गोना रीस्टॉक इट. द नेक्स्ट टॉप कोट दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट, तुम लोग सोच रहे होगे इसका नाम मैंने अभी तक क्यों नहीं लिया है इन. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनोलॉजिका स्मज फ्री टॉप कोट. ये इंडिया में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश भी मत करना ढूंढने की या लिंक मुझसे मांगने की, बिकॉज एज आई सेड ये इंडिया में नहीं मिलेगा. ये मैंने अपनी सिस्टर से यूएस से मंगाया था. दिस रिटेल्ड फॉर लाइक $7 और उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा इजिली. तो अगर तुम कभी यूएस जा रहे हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड जा रहा है, रिलेटिव जा रहा है या वहाँ से कोई आ रहा है, आस्क देम टू गेट दिस वन फॉर यू. ये तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ले लो यार. और अगर मुझे रीस्टॉक करने को मिला तो सबसे पहले मैं इस टॉप कोट को रीस्टॉक करूंगी. मे बी मेरे ग्लॉसी के ऊपर मैं से रीस्टॉक करूंगी. बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. इट मेक्स योर लाइफ सो ईजी स्मूथ. क्योंकि जब पूरा नेल आर्ट करके एंड में टॉप कोट लगाने जाओ और वो स्मज हो जाए ना, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग यू गाइज. एंड दिस स्टॉप्स योर डिजाइन फ्रॉम स्मजिंग. तो दिस हैज टू बी रीस्टॉक if I lost all of my nail art stuff. Now coming to the last few products, and that is for hydration. Now I absolutely love beautiful plump looking cuticles, hydrated cuticles before making videos or taking pictures. क्योंकि वो pictures ना बिल्कुल next level पे पहुँच जाती हैं अगर अपने cuticles का ध्यान आपने रखा, उन्हें hydrate किया हो pictures लेने से पहले. So a cuticle oil has to be in my stock. So in case I lost everything and I have to pick one hydration product, then it has to be a nail oil. And the one that I'll suggest is from Godiva Nails. This is specifically brand का मैं suggest कर रही हूँ, Godiva Nails का. मैंने इसे सालों पहले भी यूज़ किया था एंड नाउ दे आर बैक इन स्टॉक. मैं इसको फिर से मंगा के यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स सो नॉस्टैल्जिक एक्चुअली, क्योंकि मैं वो टाइम पे यूज़ करती थी. माय नेल्स यूज्ड टू लुक सो गुड एंड व्हेन आई यूज़ इट टुडे माय नेल्स यूज्ड टू लुक सो गुड. आई लव इट. सो अ नेल ऑयल इज़ माई पिक फ्रॉम गोडीवा नेल्स इफ आई हैव टू रीस्टॉक अ नेल हाइड्रेशन. सो येस गाइज, दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई stock first if I lost every nail art stuff of mine, which I hope doesn't happen ever. But yeah, hypothetically बात करी थी तो मैंने बता दिया कि ये आइटम्स मैं सबसे पहले स्टॉक करूंगी अपने पास. मुझे कॉमेंट्स में बताना कि अगर तुम्हारा नेल आर्ट स्टफ चला जाए, विच आई होप तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हो, बट अगर ऐसा हो गया हाइपोथेटिकली, तो तुम सबसे पहले क्या रीस्टॉक करोगे अपने पास, मुझे कॉमेंट्स में बताना. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. प्लस या इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वॉन्ट मी टू मेक अ नेल पॉलिश वर्जन ऑफ इट, डू गिव दिस पर्टिकुलर वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब टू my channel, it's absolutely free, and don't forget to ring the bell icon beside it. Plus, as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated. I'll catch you in my next one. Bye bye.